प्रगाढ़ सुमधुर र राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर सबैले भनेका छन्। आज हामी कालापानीको बारेमा, सुस्ताको बारेमा, लिपिएको बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। दिनेशजी यहाँ हुनुहुन्छ। दिनेशजी, म आपको दो तीन प्रश्न पुछुँगा। फर्स्ट अफ अल, तो आपले अघि नेपालले बस जारी है, कालापानी, सुस्ता, लिपिले र लिपिए धुराको बारेमा बस जारी है, त्यसमा सामेल चाहिँ बस्नु सबै अगाडिको सबैजना बस्नु प्लिज। अब क्या है पोजिसन भारतका? संवाद शुरू होने के लिए मोदी और ओली के बीच में एक सहमति बना था, उस संवाद अभी तक शुरू नहीं हुआ। मिनिस्ट्री लेवल में राष्ट्रमंत्री सचिव स्तर में। और दूसरा प्रश्न, नेपाल भारत संबंध में अभी समस्या क्या है? आर्थिक समृद्धि और विकास, नेपाल और भारत के साथ एजेंडा, उसमें आपका क्या कहना है? और तीसरा, नेपाल के जो हिंदुज्म के बारे में आपका दिलचस्पी भी है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अभी एजेंडा है कि नहीं? आप तो इंडिया का मिनिस्ट्री में भी मेट्रो तब तो बारे में तब सब था। दिनेश जी को बारे में, वहाँ चाहिए भारतीय जनता पार्टी को प्रभावशाली नेता हो, पहला वहाँ तैं को स्वास्थ्य विभाग को प्रमुख भर काम करू, ते पच्चीस अल आए वहाँ तैंबड़ मिनिस्टर को लेवल में बसर काम कर। दिनेश जी, आप सभी का आभार। अभी मुझे बुलाया, मैं अपने आयुष मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ऋषि जी को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं। और अभी ऋषि जी ने जो क्वेश्चन बताए हैं मुझे कि उनके बारे में मैं प्रकाश डालूं। नेपाल और भारत के संबंध और हिंदुज्म के बारे में, हिंदू एक शब्द है, एक कल्चर है, लेकिन धर्म सनातन है। धर्म सनातन है, हिंदू एक आइडियोलॉजी है। और गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई थी, जो राजा थे भारत में उस दौरान। गांधार के अंदर कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। आज वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सनातन धर्म को मानने वाला हो। इसलिए ये बात मैं आपको इसलिए बताइए कि धर्म परिवर्तन हुआ है। और हम लोगों की पूरी सोच है प्रलोभन के वश, दबाव के वश, बहकावे के वश किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी जिस धर्म में है वो स्वेच्छा से रहे। अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। ये सनातन धर्म की बात मैंने आपको बताई। अब रहा संबंध के बारे में, नेपाल और भारत का रिलेशन एक कंट्री या अड़ोसी पड़ोसी देश के रूप में हम लोग नेपाल को नहीं देखते। अड़ोसी पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान या बांग्लादेश हो सकते हैं, नेपाल हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ भारत का। इसलिए हम लोगों का आत्मा और मन नेपाल के अंदर बसता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का करैक्टर, यहाँ का टेस्ट, यहाँ की खान पीन, यहाँ की सभ्यता भारत की सभ्यता। दूसरी बात यह है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नेपाल एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। भारत लंबे समय गुलाम रहा है। गुलामियत की सजा क्या होती है हम लोग जानते हैं, हम लोग गुलाम रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं नेपाल पूरी दुनिया का सर है। और ये बात मैं सिर्फ मात्र भाषण देने की वजह से या प्रभावित करने के लिए कह रहा, क्योंकि यहाँ ना तो मुझे यहाँ कोई इलेक्शन लड़ना, ना ही कोई राजनीति करनी, लेकिन सच्चाई यही है कि नेपाल पूरी दुनिया का सर है, पूरी दुनिया की टोपी है, इसकी लिहाज होनी चाहिए। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भाई वो होता है जो निष्पक्ष तरह से लेकर के अपने अस्तित्व को बचा के रखता है, नेपाल वही कंट्री है। और इसीलिए आज नेपाल की चाहे आबादी कम है, क्षेत्र छोटा है, भारत के अंदर आबादी ज्यादा है और भूमि भी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बात को लेकर के हम उसको क्षेत्रफल में बड़ा कह सकते हैं। लेकिन हम ये देश कभी गुलाम नहीं हुआ, स्वर्ग का द्वार है, देवों का देश है, इसलिए नेपाल को हम लोग अपने बड़े भाई की तरह से मानते हैं, ये हमारी सोच है। रही भूमिका, ये बातचीत
होनी चाहिए। अभी आपको पता होगा बांग्लादेश के ऊपर हमने समझौता किया है, बांग्लादेश में जो डिस्प्यूट था बॉर्डर का वो हमने निपटाया है। हमारी सोच बड़ी है, उसी सोच को लेकर के चलेंगे, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बड़ा दिल करके मर्यादा के दायरे में जो धर्म का पालन होगा, भारत अपने धर्म का पालन करेगा। इसलिए लेकिन संवाद का रास्ता रुकना नहीं चाहिए, संवाद होना चाहिए। और नेपाल का जितना भी कल्चर रहा है, आज यहाँ विक्रम संवत का कैलेंडर है, भारत के अंदर विक्रम संवत का कैलेंडर समाप्त हुआ है, वहाँ इंग्लिश कैलेंडर है। वो सभ्यता राजा वीर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत स्टार्ट किया था, जो उज्जैन के राजा थे, लेकिन वो नेपाल में कैलेंडर आज भी लागू है, भारत के अंदर समाप्त हुआ है। इन संबंधों को कौन झुठला देगा, इस इतिहास को कौन बदलेगा? इतिहास कभी ना झुठलाया जा सकता ना बदला जा सकता। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि अपने जो वर्तमान पीढ़ी के बच्चे हैं या जो यंग ब्लड है, उनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। मैं किस धर्म का व्यक्ति हूँ, मेरी संस्कृति क्या थी, हम लोग कौन थे, और भारत और नेपाल के रिलेशन क्या थे, और ये कंट्री कब कब पैदा हुए। अब भारत का पहले नाम आर्यव्रत था, उसके बाद शकुंतला दुष्यंत का बेटा भरत पैदा हुआ तो उसका नाम भारत हुआ। सन 47 में बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ। इसलिए ये चीजें बच्चों को बतानी चाहिए, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और एक बात मैं कभी कभी और कहता हूँ, अगर कभी नेपाल को कोई नुकसान होता है तो उसमें भारत भी प्रभावित होता है, और अगर नेपाल को लाभ होता है तो भी भारत प्रभावित होता है, और अगर नेपाल भारत को नुकसान होता है तब भी नेपाल प्रभावित होता है, भारत को लाभ होता है तो भी नेपाल प्रभावित होता है। ये रिलेशन जितने भी दुनिया के अंदर कंट्री हैं, वो चाहे कुछ भी कर लें, छोटी छोटी बातें यहाँ नेपाल में भी भारत में भी चलती रहती है, हम लोग जानते हैं चलती रहती है, लेकिन उनका लंबे समय में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं पाएगा। भारत के, नेपाल के और जो अदर कंट्री के कुछ पॉलिटिशियंस हैं या कुछ लोग हैं, मैं आज पशुपतिनाथ को एक कसम लेकर के ये बात कहता हूँ कि कुछ लोगों को विशेष सद्बुद्धि देने की आवश्यकता है, कुछ उद्योगपतियों को भी, कुछ पॉलिटिशियंस को भी, उसमें चाइनीज को भी, भारतीय को भी, नेपाल के भी, यूरोपीय यूनियन को भी। उन लोगों को परमपिता परमेश्वर भगवान पशुपतिनाथ विशेष सद्बुद्धि दे, क्योंकि राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन दिलों को हार के राजनीति नहीं करनी चाहिए, दिलों को जीत के राजनीति करनी चाहिए। ये सोच हम लोगों की है, और नेपाल पूरी तरह से आश्वस्त रहे, भारत से कभी भी नेपाल को कोई हानि ना हुई ना कभी होगी। हाँ, बीच में कुछ इस तरह के तत्व आ जाते हैं कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आप लोगों को भी करना पड़ता है, तरह तरह की खबरें अखबार में आ जाती हैं, लेकिन उनको जब तक आकलन ना किया जाए, सच्चाई को देख ना लिया जाए, तब तक उसके ऊपर कोई बयान देना अच्छी बात नहीं है। मैं आप सभी का आभार करता हूँ। अभी भारत से यहाँ आया था, एक दिन कल मैं आया था, संडे को मुझे वापसी जाना है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज से 8-10 साल पहले ऋषि धवाला जी ने प्रेस कले में, जब आपका वहाँ मार्केट में होता था थर्ड फ्लोर पे, मैं एक बयान देकर के गया था। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में हूँ, लेकिन मैं पुनः यही बात कहूँगा कि सनातन धर्म में जीना, सनातन धर्म में मरना, ये भारतीय संस्कृति है, पूरे वर्ल्ड की संस्कृति है। आज कुछ लोग अलग तरह से हुए, कल ही बिहार के अंदर बेगूसराय में एक महिला थी, वो हिंदू थी, क्रिश्चियन धर्म ने स्वीकार किया है, कल हमारे एक भारत सरकार के मंत्री ने उसको हिंदू रीति रिवाज में उसका दाह संस्कार कराया, आपने टीवी पर देखा होगा। इसलिए व्यक्ति की आइडियोलॉजी और उसकी सोच, खान पान कुछ ही हो, कपड़े कुछ ही हो, लैंग्वेज कुछ भी हो, किसी पार्टी का सदस्य हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानवता का धर्म सबसे बड़ा होता है, मानवता के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, यही सनातन धर्म की फाउंडेशन है। सनातन धर्म में हम लोग जीते हैं, लेकिन मानवता धर्म सनातन धर्म से भी बड़ा है। सनातन धर्म और मानवता धर्म बिल्कुल एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। देखा कि हॉस्पिटल देखता हूँ यार, जितने सारे दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, अंग्रेज भी हैं, इंडियन श्योर सब लोग आते हैं,
तो जब यहाँ बैठते हैं तो उनको काफी हद तक स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। अब हमारे यहाँ अलग अलग कंट्री है, पोल्यूशन भी है, दिल्ली जैसे अंदर क्राउड भी बहुत है, हालांकि काठमांडू में थोड़ा क्राउड तो बड़ा है, लेकिन काठमांडू से जो बाहर है कितना खूबसूरत यह देश है। भगवान पशुपतिनाथ इस राष्ट्र की रक्षा करें, इसके कल्चर को जिंदा रखें, इसकी जड़ी बूटियाँ और यहाँ का जो खान पीन है और यहाँ की जो भोलापन है, भगवान पशुपतिनाथ उसकी रक्षा करें और इसी तरह से नेपाल तरक्की करता रहे। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। नेशनल बॉर्डर इश्यू ऑफ नेपाल एंड इंडिया, इंडिया और नेपाल के बारे में तारावानी और उसका मैंने जवाब दे दिया आपको। बॉर्डर इश्यू हाँ मैंने नहीं देखो, कोई डिस्प्यूट आप इसको ऐसे डिस्प्यूट का शब्द का यूज नहीं करना। एक बात थी, जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे कुछ गांव इधर रह गए, कुछ गांव उधर, हमने उसको काम को निपटाया है अभी। इसलिए आप यहां से सरकार कोई बात भारत लेकर के जाए, भारत बड़ा दिल करके समझौते को उस कार्य को निपटाने के लिए हम लोग संकल्पित है। कोई बात सही तरह से लेकर के जाए तो हम लोग झगड़ालू नहीं है, नेपाल तो अपना है। कोई भी बात होगी दो लोग इधर से बैठेंगे, दो लोग उधर से बैठेंगे, इस कार्य को निपटा देंगे। बांग्लादेश का निपटा है ना जी, तो नेपाल तो अपना है, बांग्लादेश का निपटाया तो नेपाल के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी कुछ है उसमें बैठ करके बातचीत हो जाएगी। और कब मैंने कभी भी कहा, इसका जवाब भी दिया है, हम लोग बड़ा दिल करके तैयार बैठेंगे, आप भी बड़ा दिल कर करके भारत में आएं, आपका स्वागत है। उसे काला पानी से भारतीय फौज हटेगा? देखो इन शब्दों का ये आप बड़े पत्रकार हैं ऋषि धमाला जी दरअसल, और ये क्या है शब्दों को इस तरह से यूज करते हैं ताकि हम लोग अटक जाए, लेकिन क्या है कि इनका दिमाग बहुत है और हम लोग अटकेंगे नहीं। आपको भी मैं इन्वाइट करता हूँ, आप ये विषय लेकर के भारत आओ, मैं बातचीत कराता हूँ। देखो हमारे यहाँ क्या है, संगठन और सरकार जिंदा है, एक व्यक्ति नहीं। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं देश के, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब निर्णय लेते हैं तो उसमें पूरे कई सारे लोग हैं तब निर्णय लेते हैं। हमारे राष्ट्र में एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, वहां संगठन जिंदा रहता है। इसलिए आप आए, मोदी जी भी आप सर्वोपरि हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और आज मोदी जी ने भारत का जो नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी मजबूती के साथ आज ये उभरे हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, भारत को आज मजबूत किया है। चाहे वो 370 का विषय रहा या 33A का विषय रहा, 3 तलाक का विषय रहा, और राम मंदिर जो कोई कहता था कभी बनेगा ही नहीं, कि 370 कभी खत्म ही नहीं होगी, वो खत्म हुई पड़ी ना 370। इसलिए और देश के अंदर कोई बवाल नहीं हुआ, पूर्ण शांति के साथ ये कार्य निपटा है। इसको सोच लेना चाहिए कि बड़े दिल के लोग हैं, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस सिर्फ दिल बड़ा करके आप आए। हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, आप आए तो सही, हर विषय को सोल्व करेंगे। लेकिन सगरमाथा संवाद में मोदी साहब नेपाल भ्रमण की संभावना है कि आने की संभावना है कि नहीं सगरमाथा संवाद में? जब भी नेपाल का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी व्यक्ति को, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को कभी भी बुलाएगा ना, हम लोग आंख बंद करके नेपाल जाएंगे। हमारा मैंने आपको कहा, हम नेपाल को कंट्री नहीं मानते, अड़ोसी पड़ोसी देश नहीं मानते। अड़ोसी पड़ोसी है चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है। हम लोग कंट्री के निगाह से नेपाल को नहीं देखते, रिश्तेदार है हमारा नेपाल। ऐसा, ऐसा मत करो जी, ऐसा आ जाओ आगे को आ जाओ। मतलब हम चाहते हैं वहाँ बोटानिकल गार्डन जी, 1000 जड़ी बूटियों का वहाँ बोटानिकल गार्डन होना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ से भारतीय सेना वहाँ से वापस ले जाइए, आपको गवर्नमेंट से बताइए। मैं बताता हूँ, देखो ये आयुष मंत्रालय की, आयुष ये जो इन्होंने सब्जेक्ट उठाया वो आयुष मिनिस्ट्री का है, अभी आयुष मंत्रालय की गवर्निंग बॉडी का मैं सदस्य हूँ। आप ये जो आपने शब्द कहे, एक चिट्ठी मेरे नाम से लिख करके एम्बेसी में दे दो, मंत्रालय मेरे पास आएगी, निर्णय लेंगे। आयुर्वेद की संभावना है नेपाल में कितना? आयुर्वेद अगर पूरे दुनिया के एलोपैथी के हॉस्पिटल की रोगी की संख्या घटानी है, आयुष को जिंदा करना पड़ेगा। हमने भी कितने सारे एलोपैथी भारत के अंदर बनाए हैं, एम्स कितने बनाए हैं, लेकिन एम्स के बढ़ाने से रोगी की संख्या हम लोग नहीं घटा पाए।
जितने एम्स बनाए सब के अंदर भीड़ हो गई। इसलिए एलोपैथी हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन रोगी की संख्या अगर नहीं घटेगी तो वहां भीड़ होगी। अगर रोगी की संख्या घटानी है, आयुष, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, होलिस्टिक साइंस, यूनानी, इनको जिंदा करना पड़ेगा। एलोपैथी दवाई अपने आप बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम लोगों का खान पान, हम लोगों का कल्चर, सोने का टाइम, उठने का टाइम, योगा करने का टाइम अगर ए तरतीब होगा तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। और जिस राष्ट्र का नागरिक बीमार होता है वो राष्ट्र भी बीमार होता है। इसलिए आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे मिनिस्ट्री का है, मेरे मंत्रालय का है। आप आओ और हम लोग हर्बल गार्डन, बोटनिकल गार्डन का हर्बल गार्डन नाम दिया है हमने, और हर्बल गार्डन भारत के अंदर बनाए हैं। और 12,500 एक नया नाम दिया है भारत में, वेलनेस सेंटर, नॉट हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर नाम दिया है, हॉस्पिटल नहीं। 12,500 वेलनेस सेंटर हमने घोषणा की है भारत के अंदर बनाने के लिए 5 साल की सरकार के दौरान। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ वेस्टर्न नेपाल बोटानिकल गार्डन होनी चाहिए, 1,000 जड़ी बूटी होगा, बोटानिकल गार्डन होना चाहिए। आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। आप ये पत्र चाहे तो इस एसोसिएशन के लेटर हेड के ऊपर लिख करके आप मुझे दें, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे।